Students, so today we'll start with the geometry circle chapter practice set 3.0. Before starting this, we'll study the theorem of touching circle. What? Theorem of touching circle. एक होता है इंटरनली टचिंग सर्कल विच इज इंटरनल टच एंड वन इज एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. ओके, दिस टू सर्कल थ्योरम वी हैव टू लर्न. इफ टू सर्कल टच ईच अदर, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर. मतलब यहाँ पर क्या है, दो यहाँ पर टच हो गए और ये यहाँ पर टच हो गए यहाँ पर. ओके, ये क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करके ये वाला पॉइंट टचिंग सर्कल पे. एंड लेट्स स्टार्ट विद द 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल हैविंग रेडी 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो क्या करेंगे, लेट द रेडी ऑफ टू सर्कल, हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट द रेडी ऑफ टू सर्कल आर वन एंड आर टू. ओके, आर वन इज बिग सर्कल एंड आर टू इज स्मॉल सर्कल. ओके, 3.5 सेंटीमीटर एंड आर टू इज 4.8 सेंटीमीटर. ये हम लोग क्या है, गिवन. ओके, द टू सर्कल आर टचिंग ईच अदर इंटरनली. गिवन में और क्या चीज दी हुई है, द टू सर्कल आर टचिंग इंटरनली. ओके, नाउ बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और कोलिनियर. जैसा मैंने पहले स्टार्ट में, वेन वी स्टार्ट द थियोरम, दैट टाइम ओनली आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन यू दैट वेन द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर बाई इंटरनली, द पॉइंट आर कोऑर्डिनेट ईच अदर, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो वॉट विल डू यूर बाय, दैट इज वाई बाय theorem of touching circle, the center and the point of contact are कोलिनियर. ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडी. मतलब जो अंदर के जो इंटरनली टच हो रहे हैं, इसका जो ये कॉन्टेक्ट होगा, ये उसके रेडियस भी सिमिलर होंगे. अंडरस्टूड, तो दैट मीन्स आर टू माइनस करेंगे हम लोग आर वन से, तो हम लोग का डिस्टेंस फाइंड हो जाए. हम लोग क्या लिखेंगे, सो आर टू माइनस आर वन इज इक्वल, आर टू कितना है 4.8 माइनस 3.5, कितना आ रहा है 4.8 माइनस 3.5 में 1.3 सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज सेंटीमीटर. अंडरस्टूड एवरीवन. सेकेंड क्वेश्चन इज सिमिलर, ओनली द डिफरेंस इज दिस सर्कल आर टच ईच अदर बाय एक्सटर्नली लाइक दिस. ओके, नॉट इंटरनली, बाकी आगे का पूरा सेम होगा. थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर 2.8
8 सेंटीमीटर ड्रॉ फिगर ऑफ दिस टचिंग सर्कल एक्सटर्नली और इंटरनली. हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली. तो ईजी है ये. फर्स्ट क्या करना है हम लोग को, वॉट वी हैव टू डू, आप लोगों को वी हैव टू टेक दैट सर्कल का एंड देन स्टार्ट विथ 4 सेंटीमीटर बनाना है और 2.8 सेंटीमीटर बनाना है आउटसाइड करके एक्सटर्नली और वही सेम इंटरनली बनाना है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द फोर्थ क्वेश्चन. द सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू. हुआ है और हम लोगों को क्या बोला है, लाइन पासिंग टू रूलर. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस सेगमेंट ए पी पैरेलल है सेगमेंट बी क्यू के, ये बताना है हम लोगों को. ओके, ये ए पी पैरेलल है बी क्यू के. तो क्या करेंगे, प्रूफ में जाएंगे पहले हम लोग. प्रूफ, ओके, ये क्या है हमारा पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. टचिंग सर्कल, ओके, इन पी ए आर, पी ए आर ये वाले ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल पी ए आर. इसमें जाने के बाद क्या करेंगे, ये क्या है पी ए आर में, पी ए आर और पी आर ए, ये दोनों क्या है, रेडियो ऑफ अ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल के रेडियस है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेगमेंट पी ए और सेगमेंट पी आर, पी ए और पी आर, ये क्या है सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट पी आर के. क्यों, तो ये क्या है रेडियो सेम सर्कल. ओके, नाउ सिमिलरली क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, एक बार इसका पी ए का अपोजिट क्या है, पी ए का अपोजिट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है. तो पहले क्या लेंगे हम लोग, एंगल पी ए आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर ए, इसको लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्यू आर बी. सेम लेंगे QB और QR, रेडियो ऑफ सेम सर्कल है, सेगमेंट QB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR, इसको लेंगे रेडियो सेम सर्कल. और इसके थ्रू क्या लेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम करेंगे QRB, QRB एंड QBR, इसको लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, बता रही हूँ पी पी आर ए और क्यू बी आर, ये दोनों देखना है क्या है, पी आर ए क्यू बी आर, ये क्या है देख, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल. पी ए आर बच गया हमारा, इसको भी कॉन्ग्रेंट कर देंगे क्यू बी आर के साथ. ओके, मतलब पी ए बी और क्यू बी ए बी सेगमेंट हो गया, एंगल पी ए बी और क्यू बी ए, ये भी क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया. इस वजह से, इन लोगों की वजह से हम लोग का क्या कॉन्ग्रेंट आएगा, सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट बी क्यू. ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. आए समझ में. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या मालूम करना है कि ए पी आर, आपको पता करना है कि जो ए पी आर मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल के सिमिलर है. तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल के अंदर पहले हम लोग चले जाएंगे और पहले जो हम लोग का फाइंड आउट हुआ है ना ए ए टेस्ट, और वो हम लोग पहले ले लेंगे, तो उससे हम लोग का सिमिलरिटी आ जाएगी. इन ट्राइंगल ए पी आर एंड इन ट्राइंगल क्यू
बी आर इसमें चले गए, तो क्या करेंगे पी ए आर और क्यू, पी ए आर और क्यू आर बी, ये क्या है हम लोग का, पहला हमने जो फाइंड आउट किया वो है एंगल पी ए आर एंगल क्यू आर बी, ओके ये हो गया हमारा, ये क्या है हम लोग वर्टिकली अपोजिट। फिर सेकंड लेंगे हम लोग उसमें पी आर ए और क्यू बी आर, पी आर ए क्यू बी आर, और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पी ए आर इज इक्वल 35 डिग्री, ये हम लोग को गिवन है, ओके थर्ड मालूम करने के लिए हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो फ्रॉम 1, 2, 3 से हम लोग क्या लेंगे, जो यहाँ पे हमने 1, 2, 3 नेम्स दिए हुए 1, 2 एंड 3, इससे हम लोग क्या करेंगे पी आर ए कॉन्ग्रेंट हो गया, एंगल पी आर ए इक्वल हो गया क्यू आर बी इक्वल क्यू बी आर, मतलब सब क्या हो गए 35 डिग्रीज हो गए। तो इन ट्राइंगल क्यू आर बी इसमें जाएंगे हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे तीनों एंगल को प्लस मारेंगे, प्लस करेंगे एंगल क्यू आर बी प्लस आर बीच में एक बार, क्यू बीच में एक बार, बी बीच में 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 35 इज इक्वल 180 डिग्री, और ये ऐसे ही रखेंगे, ओके 35 प्लस 35 70 डिग्री प्लस आर क्यू बी इज इक्वल 180 डिग्री, आर क्यू बी ऐसे ही रहेगा 180 माइनस 70 कितना है 110, आर क्यू भी आ गया 110, हो गया तीनों। सिमिलरली आपको फिफ्थ एक्सरसाइज करनी है, ओके ऑन योर ओन, थैंक यू।